हेलो एवरीवन, आई एम फैजान एमसीयू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे मेडिकल शॉप खोल सकते हैं दोस्तों। जहां पर आपको पता ही होगा, जब COVID-19 के टाइम में सभी बिजनेस ठप पड़ चुके थे दोस्तों, तो वहीं पर मेडिकल का बिजनेस जोर शोर से चल रहा था दोस्तों। जहां पर देखा जा रहा था कि काफी ऐसे बिजनेस थे जो डूब रहे थे दोस्तों, वहीं पर दोस्तों मेडिकल शॉप का बिजनेस इंक्रीज होते जा रहा था दोस्तों और प्रॉफिट में ही चले जा रहा था दोस्तों। क्योंकि मेडिकल शॉप में जो प्रोडक्ट बिक्री होता है दोस्तों, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा होता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मेडिकल शॉप में क्या मिलता है दोस्तों, जैसे कि सप्लीमेंट, टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह वगैरह और मेडिकल इक्विपमेंट भी मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से आप ये बिजनेस कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है दोस्तों। तो इस वीडियो को बने रहे दोस्तों, इसमें फुल डिटेल आपको मिलने वाला है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन है दोस्तों उसे भी ऑन कर ले, इसी तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता होगा दोस्तों कि आपको मेडिकल शॉप के बारे में नहीं पता, तब भी मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं दोस्तों। मेडिकल शॉप एक आम दुकान की तरह है दोस्तों, बस खास बात यह है कि इसमें हेल्थ के रिलेटेड मेडिसिन, सप्लीमेंट और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा मिलते हैं दोस्तों। मेडिकल स्टोर चार मॉडल में खोल सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी। जी हाँ दोस्तों, आपके हॉस्पिटल के आसपास में आपको मेडिकल खोलना होगा दोस्तों। दोस्तों की जो हॉस्पिटल में जो मरीज भरे हुए हैं दोस्तों, उसको आप अपना दवाई सेल कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप इस मॉडल से भी स्टार्ट करते हैं। सेकेंड है दोस्तों स्टैंड अलोन फार्मेसी, इसे आप अपने रहसी इलाकों में खोल सकते हैं दोस्तों और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, इस मॉडल पर भी आप काम कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों फ्रेंचाइजी फार्मेसी, जिसमें आपको एक ऐसे कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी होगी दोस्तों, जो लोगों के बीच में खूब ही मतलब पॉपुलर हो दोस्तों, जिसका नाम से ही दवा का सेल होता है दोस्तों, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो दोस्तों, तो आप उसका फ्रेंचाइजी ले सकते। कई ऐसे फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी आपको मिल जाएगी दोस्तों, जिसके साथ आप टाइप करके एक अच्छा खासा बिल्ड कर सकते, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। वो आपको गाइड भी करेगा दोस्तों और आपको स्टेप बाय स्टेप वो आगे भी बढ़ाएगा दोस्तों। आप फ्रेंचाइजी वाला भी मेडिकल शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाउनशिप फार्मेसी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टाउनशिप फार्मेसी क्या है दोस्तों, आप अपने इलाके में, आप अपने लोकल एरिया में ही अपना खुद का एक दुकान खोल सकते हैं, जिसमें आप अपना सप्लीमेंट, मेडिसिन, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इक्विपमेंट्स रख सकते हैं दोस्तों, जिससे आप लोकल एरिया में अपना सेल कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि मेडिकल में आप दो तरीके से सेल कर सकते हैं। फर्स्ट है दोस्तों होलसेल और सेकंड है दोस्तों रिटेल दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज के टाइम में होलसेल और रिटेल का दोनों ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में सिर्फ रिटेल शॉप के बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही फुल गाइड होने वाला, फुल प्रॉफिटेबल होने वाला। तो इस वीडियो में ध्यान से बने रहे और इसे एक जरा भी स्किप ना करें। मेडिकल शॉप आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डार्क लाइसेंस बनाना होगा। लाइसेंस बनाने के लिए दोस्तों आपको एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको क्लियर करने होगा, जैसे कि आपको अगर डार्क लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपके पास डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा का सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहता तो आप मेडिकल शॉप नहीं खोल सकते दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ कि आप डी फार्मा या बी फार्मा, एम फार्मा कब कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आप डी फार्मा दोस्तों 12 के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है दोस्तों, जिसे आप करके डी फार्मा का एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हैं दोस्तों, जिससे आप डार्क लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका लाइसेंस बन जाएगा। अब बात करने वाला हूं दोस्तों बी फार्मा के बारे में, जिसका ड्यूरेशन दोस्तों 4 साल का होता है। ये डिग्री कोर्स है दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं 12 के बाद ही दोस्तों। एम फार्मा एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है दोस्तों, जिसे आप बी फार्मा के बाद ही कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना ये कोर्स कर सकते, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है पढ़ने का दोस्तों, और आप सोच रहे दोस्तों कि आप ये बिजनेस कैसे अब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम निकल गया दोस्तों, या आप पढ़ाई किए ही नहीं है दोस्तों, आपके पास सिर्फ पैसा है और आइडिया है दोस्तों, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो कोई टेंशन का बात नहीं। फार्मा और डी फार्मा और एम फार्मा जो किए हैं दोस्तों, से आप हायर करके अपने मेडिकल में उनके नाम से लाइसेंस बना सकते हैं दोस्तों, और उन्हें रख करके एज ए पार्टनरशिप, एज ए सैलरी में रख करके दोस्तों अपना मेडिकल शॉप चला सकते हैं। मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आप कैसे डार्क लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा का
डिग्री या सर्टिफिकेट है दोस्तों, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको खास बात बता देना हूँ जिसे आप नोट कर ले दोस्तों, आपके पास मार्केट में कई ऐसे दलाल मिल जाएंगे दोस्तों जो आपको ये कहेंगे कि डी फार्मा एम फार्मा का मैं डिग्री निकाल के दे दूंगा, जो कि अनलीगल है दोस्तों। तो इस चीज़ से सावधान रहे, जब भी चेकिंग होगा दोस्तों तो आप फंस सकते हैं, तो इस चीज़ से बचे। तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, जो डी फार्मा किया या एम फार्मा किया या बी फार्मा किया है दोस्तों, उसे आप हायर करके अपने मेडिकल शॉप में एज ए पार्टनरशिप एज ए सैलरी रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ कि डार्क ग्लासेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा उनके ही नाम पर ये बन सकता है। रिटेल डार्क लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बी फार्मा डी फार्मा या एम फार्मा का आपके पास डिग्री का या सर्टिफिकेट रहना चाहिए दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ थर्ड जो है आपका वोटर आई डी कार्ड, जिसके नाम पर ये फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है दोस्तों, उनका वोटर आई डी कार्ड बनेगा। जिनके नाम पर डार्क लाइसेंस आप बना रहे दोस्तों, तो उसके लिए आपको वोटर आई डी कार्ड लगेगा। फोर्थ है दोस्तों आधार कार्ड दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के टाइम में। आधार कार्ड सबके पास होता है दोस्तों, तो इसके लिए कोई टेंशन का बात नहीं है। नंबर पर है दोस्तों आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए दोस्तों। सिक्स है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस उसे कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि ट्रेड लाइसेंस उसे कहते हैं दोस्तों जो कि है दोस्तों आपका दुकान का दोस्तों, जहां पर आप दुकान करना चाहते हैं दोस्तों, वहां के लिए एक अलग से एक शॉप का ट्रेड लाइसेंस होता है दोस्तों, जो आपको इजी बन जाएगा दोस्तों। अगर आप कॉर्पोरेशन के एरिया में रहते हैं दोस्तों, तो इजी कॉर्पोरेशन के थ्रू बन सकता है दोस्तों। तो आप ग्राम पंचायत में दोस्तों, तो वहां से भी बन सकता है। तो ट्रेड लाइसेंस जरूरी होता है दोस्तों, तो आप इसे बना सकते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगता है दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान, अगर आपका शॉप रेंट पर है दोस्तों, अगर आपका दुकान भाड़े पर है दोस्तों, तो आपको लीगली जो आपने एग्रीमेंट किया है अपने उस शॉप के ऑनर के साथ, तो उसका एग्रीमेंट लगेगा। एट नंबर पर दोस्तों आपका अगर आपका खुद का दुकान है दोस्तों, तो उसका भी एग्रीमेंट पेपर लगेगा दोस्तों, या उनके बिल लग सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज के लिए आप प्रॉपर रेडी रहे। नाइन नंबर पर है दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोस्तों। ये किसके लिए दोस्तों, जिसका दुकान भाड़े पर है दोस्तों, जिसका शॉप भाड़े पर है दोस्तों। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखें, अगर आप भाड़े पर है दोस्तों, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनाना होगा। टेन नंबर पर दोस्तों ब्लूप्रिंट, आपका दुकान का ब्लूप्रिंट रहना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके दुकान का ब्लूप्रिंट मतलब आपका दुकान का नक्शा रहना चाहिए कि आपका दुकान का साइज क्या है दोस्तों, उसमें क्या खिड़की है कि नहीं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके दुकान में अगर खिड़की है दोस्तों, तो ये नहीं चलेगा दोस्तों। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दोस्तों आपका दुकान कम से कम 120 स्क्वायर फीट से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, उससे कम नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और सेकेंड है दोस्तों कि आपके दुकान में कोई खिड़की नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके दुकान में कोई भी जगह पर खिड़की ना हो, और 120 स्क्वायर फीट से कम भी ना हो दोस्तों, ज्यादा हो तो बढ़िया है। 11 नंबर पर है फार्मेसी अपॉइंटमेंट लेटर। 12 नंबर पर है पैन कार्ड दोस्तों, जो आपके पास अवेलेबल तो होगा ही दोस्तों। 13 नंबर पर फार्मेसी का एफिडेविट लगेगा दोस्तों, आपके दुकान का इलेक्ट्रिक बिल लगेगा दोस्तों, उसके साथ ही साथ आपके पास रेफ्रिजरेटर का बिल भी होना चाहिए दोस्तों। रेफ्रिजरेटर क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, जिसे नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं, फ्रिज का बिल होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये बिल इसलिए मांगा जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास फ्रिज है कि नहीं है, इसके बारे में डिटेल लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट और भी ऐसे वैक्सीनेशन या और भी ऐसे कुछ रहते हैं जो दोस्तों मेडिसिन, ये सब जो जिसे फ्रिज में स्टोरेज किया जा सकता है दोस्तों। और इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा और भी कुछ लग सकता है आपके स्टेट के हिसाब से, आपके राज्य के हिसाब से दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स एक बार गूगल से या यूट्यूब से मदद से चेक कर सकते हैं दोस्तों, या किसी से राय मशवरा भी कर सकते हैं। बात करने वाला दोस्तों कि जहां पर आप मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं दोस्तों, तो लोकेशन का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि हर एक बिजनेस सक्सेस कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के टाइम में अगर आपको अपना बिजनेस को सक्सेस कराना है दोस्तों, और काफी ऐसे बिजनेस है दोस्तों जो अपने लोकेशन के वजह से ही ज्यादा ग्रो अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिटेबल में रहते हैं दोस्तों। तो आपको भी मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करे, मेरा भी दुकान अच्छा खासा चले दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना होगा इन कुछ मैं जो आपको बताने वाला, इन बातों को पॉइंट करके रखे दोस्तों, कि आपका दुकान भीड़ भाड़ इलाके में होना चाहिए दोस्तों, आपका दुकान बड़े से शहर के पास होना चाहिए दोस्तों, या बड़े से इलाके के पास होना चाहिए दोस्तों, आपका दुकान एक ऐसे बाजार में होना चाहिए दोस्तों जहां पर लोग की आना जाना बराबर होता रहे दोस्तों। तो इन चीजों पर आप अपना लोकेशन चूज कर सकते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो इन्हीं चीजों का आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे मेडिसिन कहां से आप खरीद सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में कोई ना कोई, तो अगर आप रिटेल शॉप खोलते हैं दोस्तों, तो आप वहां पर होलसेलर रहता ही रहता है दोस्तों। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि स्टार्टिंग के टाइम में आप होलसेलर से माल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस
अगर आपको लगता है कि मेरा शॉप में ज्यादा सेल हो रहा है या आपका शॉप में ज्यादा ही मतलब क्वांटिटी में सामान लग रहा है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी सामान मंगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में मैं आपको एडवाइस दूंगा दोस्तों कि आप स्टार्टिंग टाइम में अपने एरिया के होलसेलर से सामान ले सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद जब धीरे धीरे अगर आपका बिजनेस इंक्रीज होता है दोस्तों तो आप डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते हैं। अब बात करने वाले दोस्तों कि मेडिकल शॉप खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है दोस्तों, तो मैं बता दूं अगर आप ग्रामीण इलाके से आते हैं या आप गांव देहात से आते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम आपका हाईएस्ट से हाईएस्ट दोस्तों 3 से 4 लाख रुपया तक लग जाएगा दोस्तों, उससे ज्यादा भी लग सकता है जितना आप लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आप 3 से 4 लाख रुपया आपको लगाना होगा। और अगर आप मेट्रो सिटी से आते हैं, कोलकाता दिल्ली या कहीं बड़े सिटीज से आते हैं दोस्तों, तो कम से कम स्टार्टिंग टाइम में दोस्तों आपको कम से कम 8 से 9 लाख रुपया तक तो लगेगा ही लगेगा दोस्तों। बात करें कमाई की दोस्तों, तो स्टार्टिंग टाइम में आप आराम से दोस्तों 30 से 40 हजार रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे जिस तरह से आप अपने कस्टमर के साथ अगर कंज्यूमर बिहेवियर जिस तरह से अपना कस्टमर के साथ अच्छा एक बिहेवियर कर ले, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ करके सेल करे दोस्तों, आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमर को ट्रीट करें दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे दोस्तों, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनके हिसाब से आप सामान, उनके हिसाब से आप उनको मेडिसिन दे रहे हैं दोस्तों, उनके हिसाब से उनको टाइमिंग पर गुड सर्विस दे रहे दोस्तों, और अच्छा दवाई, उनका ट्रस्ट बना रहेगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप अपना बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। बात मैं करने वाला हूं दोस्तों कि इस बिजनेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों, अगर आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा का अगर सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो प्लीज जल्द से जल्द आप इसे 12 के बाद कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे कि मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो कोई टेंशन का बात नहीं, आप किसी डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा जो किया हुआ है दोस्तों, तो उसे आप अपने एज ए पार्टनरशिप या एज ए सैलरी हायर कर सकते हैं अपने शॉप में दोस्तों। सेकेंड है दोस्तों कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। थर्ड है दोस्तों कि अपने दुकान को दोस्तों ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में खोलना होगा दोस्तों, जहाँ पर चल सके। और ध्यान रखना कि 120 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो दोस्तों, जिसमें खिड़की ना हो दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों कि आप अपने एरिए की होलसेलर से ही सामान ले सकते हैं दोस्तों, जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से आपको मिल सकता है। फोर्थ है दोस्तों, आपको अगर आप ग्रामीण इलाके में, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, 3 से 4 लाख रुपया तक का आसपास खर्चा होगा। 5 नंबर पर दोस्तों, अगर आप मेट्रो सिटी से, तो 8 से 9 लाख रुपये के आसपास लग सकते हैं, बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सेल कर सकते हैं, अपने कस्टमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, आप किस तरह से उनको अपना ऊपर ट्रस्ट दिला सकते हैं दोस्तों, ये सब आपको सीखना होगा दोस्तों, जानना होगा, जिससे आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, गूगल का मदद ले सकते हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपके पास कोई डॉट है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट छूट गया है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, मैं इसके ऊपर फिर से कुछ वीडियोज बना दूंगा दोस्तों। अगर इसी तरह का वीडियोज आपको देखना है दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन इसे भी ऑन कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। See you.